नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। बिहार एक बार फिर से वही सवाल पूछ रहा है, क्या अनलॉक होगा या फिर कुछ छूट के साथ लॉकडाउन का विस्तार? क्या बिहार एमपी और महाराष्ट्र की राह पर आगे बढ़ेगा या दिल्ली की राह पर? कम हुए संक्रमण और मृत्यु दर का हवाला देकर अनलॉक की मांग अब बिहार में भी की जाने लगी है। लॉकडाउन की वजह से कारोबार को हुए नुकसान की भरपाई की बात भी उठाई जा रही है। कुछ लोग विस्तार करने की स्थिति में परिवहन में छूट, दुकान खोलने के समय को बढ़ाने और स्कूल को फिर से खोलने की मांग भी उठाने लगे हैं। वैसे अनलॉक या लॉकडाउन का विस्तार करना निहायत ही स्थानीय कारकों पर निर्भर करता है। ऐसे में सरकार एक बार फिर से सभी जिलाधिकारियों की रिपोर्ट और आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के आधार पर ये फैसला करेगी कि उसे किस दिशा में आगे बढ़ना है। सीएम नीतीश कुमार के ट्विटर पर सबकी नजर टिक गई है। आइए जानते हैं कि इस बारे में बिहार के लोगों की क्या राय है। सबसे पहले बात करें अगर प्राइवेट कंपनी वालों की, तो प्राइवेट कंपनी वालों का कहना है कि लॉकडाउन लागू होने के बाद से उनका काम पूरी तरह से बंद पड़ गया है। इन्हें तो अब पूरी तरह से अनलॉक कर देना चाहिए। कहते हैं संक्रमण दर 1% हो गया है, सब कुछ सही चल रहा है, जो कुछ गड़बड़ है वो अनलॉक के बाद सही होगा, इसलिए सरकार को चरणबद्ध ढंग से अनलॉक शुरू कर देना चाहिए। इसके साथ ही बिहार में आम लोग भी अब ये आवाज उठाने लगे हैं। कह रहे हैं कि घर में बंद रहते रहते बोर हो चुके हैं, न कहीं जाना आना, न किसी से मिलना जुलना, दिन भर बच्चों की शरारतों को झेलते उब गए हैं। तो वहीं बिहार के व्यवसायियों का कहना है कि सरकार को अब रहम करना चाहिए। जब तक पूरी तरह से छूट नहीं दी जाएगी, कारोबार की रफ्तार तेज नहीं होगी, रोक टोक के बीच काम नहीं हो पाता है। उनका मानना है कि सरकार को पूरे दिन की छूट देनी चाहिए और सप्ताह में एक दिन पूरी तरह से लॉकडाउन रखना चाहिए। इस तरह से संक्रमण दर को कम करने और लोगों की जरूरतों को पूरा करने में भी मदद हो पाएगी। बहरहाल ये फैसला बिहार सरकार पर निर्भर करता है कि बिहार में 8 जून के बाद भी लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा, कुछ छूट के साथ लॉकडाउन एक्सटेंड किया जाएगा या फिर अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू कर दी जाएगी। हालांकि बिहार में जब पिछली बार नीतीश कुमार ने लॉकडाउन की घोषणा की, तो ऐसे में उन्होंने कई सारी छूट भी दी, तो कहा जा सकता है कि बिहार में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। लेकिन वहीं बिहार के लोगों की माने तो वो लोग रोक टोक से बचना चाहते हैं और कह रहे हैं कि रोक टोक में काम नहीं हो पाता है, इसमें व्यवसायी वर्ग और प्राइवेट कंपनी वाले लोग भी शामिल हैं। अब देखने वाली बात ये होती है कि आने वाले दिनों में यानी कि 7 जून की शाम तक नीतीश कुमार का क्या फैसला आता है, क्योंकि नीतीश कुमार के फैसले से ये पता चल जाएगा कि बिहार को अनलॉक किया जा रहा है या फिर लॉकडाउन को बढ़ाया जा रहा है। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।